अस्सलाम वालेकुम। सुनहरी बातें चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बिना किसी देर किए चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ऑफ PXTC। आई वॉन्ट टू आस्क दैट इस सलाह इज इम्पोर्टेंट दैट मच दैट कैन वी लीव आवर कॉलेजेस एंड लेक्चर्स। इट्स पॉसिबल दैट वी हैव लेक्चर्स एंड क्लासेस ऑल द टाइम, सो वी शुड लीव दैट। और माई सेकेंड क्वेश्चन इज दिस सुन्नी एंड दैट सी आर नॉट joining the in salah, so what should be done with them, how we can improve them? रोहित, मैंने दो सवाल पूछा है। सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये दरख्वास्त करना चाहूंगा मेरे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से, आपके पास अगर कोई भी सवाल है जो पूछना चाहते हैं, चाहे इस्लाम के ताल्लुक हो या दिगर मजाहब के ताल्लुक हो, हिंदुइज्म के बारे में या क्रिश्चियनिटी के बारे में, ईसाइत के बारे में, आप बिना झिझक या पूछ सकते हैं। हम खुली आजादी देते हैं हमारे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों को कि आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं इस्लाम के मुताल्लिक, ये आपका सुनहरी मौका है। ऐसा मौका हमेशा नहीं आता। अक्सर मजहबी लेक्चर तकरीर के बाद खुला सेशन नहीं होता है जहाँ आप कोई भी सवाल पूछ सकते, चाहे इस्लाम के बारे में हो, हिंदुइज्म के बारे में हो, क्रिश्चियनिटी के बारे में हो, जुडाइज्म के बारे में हो। आप अगर मेरे बात से मुत्तफिक नहीं है फिर भी आप बोल सकते हैं जाकिर मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं, और आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि जो भी थोड़ा बहुत इल्म मुझे है मैं कोशिश करूंगा आपकी गलतफहमी दूर करूं। मैंने सवाल पूछा कि हमारे कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं और क्या हम सलाह पढ़ने के लिए लेक्चर को तर्क कर सकते हैं, लेक्चर को छोड़ सकते हैं? और रोहित भाई ने कहा कि वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, मैं भी इस दौर से गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में पढ़ता था। कॉलेज में जब आप जाते हैं ब्रेक होती है, और कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है, इधर 7 से 1 तक होता है, या हो सकता है 8 से लेके 4 तक के जो भी टाइम है, लंच ब्रेक तो मिलता है। जब आपको लंच ब्रेक मिलता है उस ब्रेक में आप लंच के साथ नमाज भी पढ़ सकते, सलाह भी पढ़ सकते। हो सकता है कि कॉलेज के ऐसे टाइमिंग हो कि आप अगर मस्जिद नजदीक है तो मस्जिद में जाइए, मस्जिद नजदीक नहीं है तो उस कॉलेज में अगर कुछ मुसलमान भाई है उनसे भी कहिए और जमात बना सकते, लेकिन सलाह छोड़ने की इजाजत आपको नहीं है। ये पढ़ना फर्ज है और बेशक विदाउट एनी प्रॉब्लम आप पढ़ सकते। आप जाके बॉयज कॉमन रूम में पढ़ सकते, गर्ल्स कॉमन रूम में पढ़ सकते। सलाह छोड़ने की इजाजत नहीं है। मस्जिद करीब है तो मस्जिद में जाइए, सलाह छोड़ने की इजाजत नहीं है। आप कह रहे थे कि कोई सुन्नी हजरात है, कोई शिया हजरात है जो पैर से पैर नहीं मिलाते। कुरान मस्जिद में सुन्नी शिया नहीं है, मुस्लिम है। बिल्कुल, मुस्लिम उसे कहते हैं जो अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और फरमान के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। तो जो आदमी नमाज पढ़ता है, मैंने आपसे जिक्र किया, अल्लाह सुभान अल्लाह कम से कम 12 जगह कहते हैं कुरान मजीद में, अतीउल्लाह और अतीउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 और 12 जगह का जिक्र मैंने किया। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना चाहिए, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह आप मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। यह हदीस है बुखारी की किताबुल आदान की चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604, और फिर से दोहराया गया सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 352 352। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाज के वक्त, सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताबुल आदान चैप्टर 75 हदीस नंबर 692, कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, हजरत अनस फरमाते कि हम सहाबा के कंधे मिलते थे दूसरे सहाबा के कंधे से, हमारे पैर मिलते थे हमारे सहाबा के पैर से। अल्लाह के रसूल फरमाते सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है जिल्द नंबर 1 किताबुल सलाह चैप्टर 245 और हदीस नंबर 666, अल्लाह के रसूल फरमाते कि बीच में जगह मत छोड़ो, जगह को कम करो और शैतान को बीच में मत आने दो। उसका मतलब हमें कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है और कंधे से कंधा नहीं मिलाता है सलाह के वक्त,
और पैर से पैर नहीं मिलाता है वो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहा है, वो सलाह सही तरीके से नहीं पढ़ता है। तो शायद उन लोगों को ये अल्लाह के रसूल की हदीस के बारे में पता नहीं होगा, हो सकता। तो हमारी कोशिश है कि उन मुसलमान को बताए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कंधे से कंधा मिलाओ, पैर से पैर मिलाओ नमाज पढ़ते वक्त, ये फर्ज है। बिल्कुल, होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब पसंद आए होंगे, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जब भी बोलते हैं हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक बोलते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने आज की वीडियो एंड तक जरूर देखी होगी। और जैसा कि हमने आज की वीडियो में देखा कि एक नौजवान लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के पास दो सवालात लेके आता है, और जो वो सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से करता है उसको सुनकर बहुत से लोग और बहुत से उल्मा जवाब देने से कतराते हैं। और लेकिन जैसा आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास जो भी आता है डॉक्टर जाकिर नाइक उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कुरान और हदीस के मुताबिक जवाब देते हैं। तो उस शख्स ने सवाल किया था कि हमारे मुल्क में ये डिफरेंट फिरके के लोग रहते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे के पीछे या एक दूसरे के साथ नमाज अदा नहीं करता, लेकिन जबकि हम सब के सब मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानते हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, लेकिन फिर भी हम डिफरेंट फिरकों में बटे हुए हैं। और ऐसा क्यों है, हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम कैसे लोगों को कायल कर सकते हैं या डिफरेंट फिरके के लोगों को कायल कर सकते हैं कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे के पीछे नमाज भी अदा करनी चाहिए। तो इसका डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो में एंड तक जरूर देखा होगा। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है कि उस लड़के ने ये जो सवाल किया, क्या उसको सुनने के बाद हमारे लोग एक दूसरे के साथ नमाजें अदा करना शुरू करेंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब पसंद आए हों तो आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। सुनहरी बातें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की और मजीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।